डैशबोर्ड पे जो पिस्टल पड़ी हुई थी ना वो उसने छीन ली। मैं अपनी गाड़ी रोक के उतरा, मैंने उससे उसकी पिस्टल भी ले ली, अपनी सरकारी पिस्टल भी वापस ली और गाड़ी की चाबी लेके उसकी गाड़ी की चाबी उतार ली। वहाँ पे काफ़ी तख कलामी होगी। उसने कहा आपका पिस्टल है, उसने कोई बात ही नहीं की, इस बात के ऊपर शोर डालना शुरू कर दिया और वेपन हमारे पे पॉइंट कर रहा था पहले उससे, तो इस बात पर काफ़ी गर्मा गर्मी होगी। उसने अपनी हाईवे पेट्रोल वालों को ना और वो कर दिया, कॉल कर दिया कि और गाड़ियाँ लेके आओ। इतनी देर में वो लोग और आ गए, वहाँ पे काफ़ी दुनिया भी जमा होगी, ये भी आ गया। हमने इसको बड़े आराम से बताया कि साइड पे आके बात कर, दुनिया तमाशा देख रही है, बट ही नेवर लिसन। और उसने कहा फौज होती करप्ट है, फौज के कप्तान लन होते हो, मैं तुम लोगों को देखता हूँ क्या होगा, क्या नहीं कर सकते हो, थाने चलोगे हमारे साथ, ये है तो वो है। अच्छा, इस थाने की जो बात है ना कि थाने ले चलोगे, उधर उनका एक सीनियर आया आतिफ खटक जिसने FIR लॉन्च किया, उसको हमने कहा यार तू पढ़ा लिखा है, तूने स्टार लगाए, तू साइड पे आके बात कर, तो कॉन्स्टेबल है। उसने कहा नहीं, मेरे मामू जर्नैल हैं, तो मैं तुम लोगों को थाने में ना उल्टा करके टांग के मारूंगा, मैं देखता हूँ फौज क्या कर सकती है। तो जो कासिम खटक मेरे साथ है उसके फादर भी जनरल है। मैंने कहा बैनचोद जिसको तू पकड़ के थाने लेके जाने की कोशिश कर रहा ना, ये भी तेरा बाप, इसका बाप भी जर्नैल है, तो किसी गलतफहमी में ना रहे। यह बात हुई तो वहाँ भी हमारी धक्कम पाई उनके साथ होगी ठीक ठाक, मैं और कासिम थे। इतनी देर में हमने कॉल कर ली थी अटक किले में, सर जाफरान है 3 कमांडो के मेरे, तो धक्कम पहल चल ही रही थी वहाँ पे। इतनी देर में सर जाफरान पार्टी पहुँच गई, तो फिर यू नो व्हाट हैपेंड, इट वाज विद ही वाज विद 3 QRFs और रोड ब्लॉक करके फिर इनकी कुटाई उतारी ठीक करके, फिर इनको हमने अटक किले की गाड़ियों समेत बंद कर दिया। फिर IG DIG है वहाँ पे, मामला ख़त्म हो गया, रिजॉल्व हो गया था। हाँ जी, तो मामला जो जब रिजॉल्व हो गया अटक किले के अंदर, ये लोग से हम दोनों पार्टीज का पैचअप हो गया, बात ख़त्म होगी, हम चले गए। आतिफ खटक जो कह रहा था मेरा मामा जर्नैल है, इसने जाके FIR लॉन्च करवा दी। तो उसके बाद लेट सी क्या होता है, बाकी इंशाल्लाह कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। व्हाट आई डिड इट वाज ये कि मेरी रिस्पेक्ट और फौज की और SSG की रिस्पेक्ट सबसे आगे आती है। दे वर अब्यूजिंग पाकिस्तान आर्मी एंड द ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, की हमारे पास रोड पे यहाँ पे कितने कप्तान मेजर ट्रैवल करते हैं, मिनते करते हैं और हम उनको चलान छोड़ते हैं, आप किधर से बदमाशी कर रहे हैं। सो व्हाट आई डिड इट वाइज एंड गुड, आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई ओन इट कम्प्लीटली। इसके बाद जो भी होता है आई डोंट केयर, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। मेरे लन पे चढ़ जाए पुलिस आके सारी की सारी।